వెల్కమ్ టు బీటీఎస్ వార్తలు. ప్రతి క్షణం తాజా వార్తలు అందించేదే బీటీఎస్. ఈ రోజు తాజా వార్త చూడండి. मोहम्मद जावेद एज 35 साल है. उन ग्रासरी सप्लाई करते जूबार के सामने घर है उनका. उन्होंने सिन्हा शूटिंग के लिए इसके लिए कुछ हाथे सप्लाई करते ग्रासरी सप्लाई करते. उन्होंने आज उनके गाड़ी में गाड़ी बनाने के लिए शेड को गए. शेड में लेट हुआ तो मिर्ची खाने के लिए यहाँ ये प्रजा भवन के बाजू है. प्रजा भवन के बाजू है. कुछ दोस्तों को बुला रही है कुछ बातचीत करने के लिए 9:30 के टाइम पे. आज मिर्ची खाते हुए तो दोस्त आए कुछ कुछ बातचीत हुई तो उसमें दोनों लड़ लिए. लड़ने के बाद क्या हुआ कि क्या की वो जो जिनसे बात करने आए वो तीन आदमी या चार आदमी मिलके क्या करे उनको स्टैप करते गाड़ी में बैठने गए. उन्हें फिर स्टैप करे तो फिर पीछे हट गए नीचे गिर गए. तो ऑलमोस्ट उनके 7-8 स्टैप इंजरी गए. उनका दम वही छोड़ दिया. उन्होंने 9:45 को ऑफेंस हुआ तो बकार में भाग गए. जाते हुए तो ड्राइवर बाजू था वो पानी लाने गया था उन्होंने ना कि वो बाकी होगा. तीन जनों को देखा हो कार का नंबर भी आया वो कौन है. एक घंटे के अंदर वो पूरा हम कर देंगे. पूरा इंस्पेक्टर राजेंद्रनगर पुलिस स्पॉट में है. वो क्लूज टीम भी आए सो है. हमारे एसओटी की टीम है. इनमें एविडेंस पूरा कलेक्ट कर रहे हैं. फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट कर रहे हैं. उनके फोन मोबाइल फोन भी डीसी स्टाफ जो ऑफेंस में इन्वॉल्व हुए उनके दो मोबाइल फोन गिरे हुए हैं. यहाँ वो भी करे आज बाजू भी सर्च कर रहे कुछ हथियार यहाँ फेंके क्या बोल के. एक घंटे के अंदर वो पूरा ताजबीज करके जो इन ऑफेंस करके जो उनको मारे उनको मरे चाहिए. सर पकड़ने के बाद वो मोटी क्या समझ में आएंगे. और मिर्ची खाते हुए बैठे उनको बुलाए बातचीत करने के लिए. कुछ लैंड का इश्यू होगा पेपरा भी है जमीन के कागजात भी है. वो जो पकड़े बाद ऐसे हकीकत क्या है मोटी क्या समझ में आएगा. अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है. डेड बॉडी अभी हम शिफ्ट करे उस्मानिया मार्च से देखिए. अभी नहीं स्टैब इंजरीज है. अभी वो ऑफेंडर्स को पकड़े के बाद अदर डिटेल्स आएंगे हम कल पूरा बोलेंगे आपको. थैंक यू. चलिए ಇದು ಕೂಡ 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 ಇದು ಕೂಡ